यीशु फिर से अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। पत्थर को हटाओ। इसमें से तो बदबू आती होगी, क्योंकि इसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए। क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने आंखें ऊपर उठाई। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाईस जो आसपास खड़े हैं, मैंने यह कहा था कि वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा। ये कहने के बाद उसने बुलंद आवाज में पुकारा, लाजर निकला। निकल आया और उसके हाथ पांव कफन से बंधे हुए थे और उसका चेहरा कफन से लिपटा हुआ था। इसे खोलकर जाने दो। बेहतरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का काम देखा, उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों के सदर अदालत के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह आदमी तो बहुत मौजज़े कर रहा है। अगर हमने उसे यूं ही छोड़ दिया तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। उनमें से एक शख्स कैफा नामी ने, जो उस साल सरदार काहिन था, कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानते। क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी की सारी कौम हलाक हो? ये उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु यहूदियों के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ यहूदियों के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे। उसी रोज से यहूदी हाकिम यीशु को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। बस यीशु यहूदिया में ऐलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके में अफ्राइम नाम के एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। ईद फसह नजदीक थी और बहुत लोग तमाम मुल्क से यरूशलेम को गए ताकि ईद से पहले अपने आप को पाक करें। वो यीशु को ढूंढने लगे और हैकल में जमा होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहां है तो इत्तला दें ताकि उसे पकड़ लें। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने यीशु के वास्ते शाम का खाना तैयार किया था और मार्था खिदमत कर रही थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे।
फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसे गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। उसे कुछ ना कहो, उसे इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से आवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देख सके जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा दिया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए।